हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ये ग्रीटिंग बनाना बताऊंगी। इसके लिए मैंने क्या क्या मटेरियल यूज़ किया है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने A4 साइज़ का कलर पेज लिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये पिंक कलर का है, आप आपकी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। ये हाफ कट पल्स लिए हुए हैं मैंने, जिसे मैंने डेकोरेट किया है। ये स्माइली है फ्रेंड्स, ये स्माइली यहाँ मैंने दो लगाए हुए हैं। ये रेड पेपर लिया है मैंने, ये मैंने दिल जो हार्ट शेप कट किया हुआ है उसमें यूज़ किया हुआ है। एंड ये फ्लावर जो है मैंने पिंक शीट से बनाया हुआ है। ये जो A4 साइज़ का पेपर है, ये आप वाइट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने छोटा सा हाफ कट करके वाइट वाला भी ये फॉरएवर के लिए यहाँ लगाया हुआ है। और ये जो ये टेप यूज़ की है मैंने इसके लिए, आप देख सकते हैं, ये देखिए मैंने इस टेप का यूज़ किया है, इसी से डेकोरेट किया हुआ है। एंड ये जो मैरिज कार्ड देख रहे हैं आप, इसे मैंने बैक साइड में, ये देखिए, यहाँ अटैच किया हुआ है। इसी एक ये थोड़ा सा मोटाई में हो गया है, इसे अच्छे से एक दूसरे से अटैच है। मैंने ये बैक साइड में भी इधर भी कार्ड यूज़ किया हुआ है। इन बीच में ये रेड पेपर यूज़ किया हुआ है, इसे हम डेकोरेट करेंगे। ये हमने फेविकोल का भी यूज़ किया है इसे चिपकाने के लिए, और हमने स्केल की हेल्प से इसे नाप कर कट किया हुआ है। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इस ग्रीटिंग की लेंथ नाप कर बता देती हूँ कि मैंने क्या रखी हुई है। ये देखिए, ये 18 इंच की है, 18 इंच की रखी हुई है। इसका मेज़रमेंट देखिए, इसकी लेंथ 18 है एंड इसकी चौड़ाई जो है 16 ली हुई है मैंने। इस हिसाब से आपको कट करना है। और दिल का साइज़ भी मैं हार्ट का स्टार्टिंग में बता देती हूँ, ये मैंने 5.5 पर लिया हुआ है। ये देखिए, मैं हार्ट शेप आपको कट करके बताती हूँ कि हार्ट शेप का आपको कैसे कट करना है। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले हार्ट के लिए पेंसिल से मार्क कर दूँगी, ताकि फिर मैं इसे मार्कर से मार्क करूँगी। ये मैंने पेंसिल से मार्क कर लिया है, अब मैं मार्कर से मार्क कर देती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे। ये मैंने फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, मैंने इसे फोल्ड कर मार्क किया है, ताकि मुझे बनाने में प्रॉब्लम नहीं आए। अब मैं इसे आपको कट कर बता देती हूँ। सीजर की हेल्प से हम इसे कट करेंगे। ये देखिए, किस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे। आप इसकी साइज़ आपके हिसाब से ले सकते हैं, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कलर यूज़ कर रहे हैं। मुझे इसमें रेड सूटेबल लगा, इसे आप ग्रीटिंग कार्ड के हेल्प शादी के कार्ड बना सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा हार्ट शेप कट हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। इसमें मैं थोड़ी सी फिनिशिंग दे देती हूँ। मैंने फिनिशिंग दे दी है। इसी तरीके से हमने इसमें हार्ट शेप काफ़ी बड़े साइज़ के कट कर लगाए हैं। जो मैंने आपको हाफ कट बिट्स बताए थे, उसी से मैंने इसे डेकोरेट किया है। अब हम ये फ्लावर बनाएंगे, इसे कैसे बनाना है, सो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने ये A4 साइज़ का पेपर कट कर लिया है। मैं इसकी लेंथ बता देती हूँ आपको, मैं इसकी लेंथ बता देती हूँ। ये देखिए, आप लेंथ देख लीजिए इसकी फ्रेंड्स, ये 28 इंच की है। ये देखिए, और मैं इसकी ये बता देती हूँ आपको चौड़ाई कितनी है फ्रेंड्स, ये 1 इंच की है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये 2 A4 साइज़ के पेपर ले लिए हैं और फेविकूल लगा लिया है मैंने इसमें। अब मैं इसे अटैच कर देती हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा प्रेस कर देंगे हम, इन्हें आपस में चिपका लेंगे फ्रेंड्स। अब हम इसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए, ऐसे हमने फोल्ड कर दिया है इसे, दोनों स्ट्रिप्स को। ये देखिए, अब इसे और हमने इसे वापस एक बार और फोल्ड कर दिया है। ये देखिए, हम वापस इसे फोल्ड कर रहे हैं। हमें जो फ्लावर बनाना है, उसके लिए हमें इसे फोल्ड करना होगा। ये देखिए, हमने इसे फिर फोल्ड कर दिया है फ्रेंड्स। अब हमने सीज़र ले लिए और हम सीज़र की हेल्प से इसमें कट लगाएंगे। ये देखिए, कुछ छोटे छोटे से कट लगाएंगे। हमने इसे फोर फोल्ड इसलिए किया है, ताकि हमें छोटी छोटी स्ट्रिप्स में बार बार कट ना लगाना पड़े, और ये पूरे सारे कट एक साथ लग सके। ये देखिए, कुछ छोटे छोटे से हमने जो जितनी हमारी इसकी 1 इंच की चौड़ाई है, हम हाफ हाफ पर कट लगा रहे हैं। जो 1 इंच हमने चौड़ाई ली है, उसमें हम हाफ हाफ पर कट लगा रहे हैं। इसके लिए आपको कोई मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से लगा सकते हैं। ये देखिए, हमने कट लगा लिए हैं छोटे छोटे से। ये देखिए, पूरी में कट हो चुके हैं।
ये आप देख सकते हैं हमें इस पूरी स्ट्रिप पर कट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी फोल्डिंग करने के बाद। फ्रेंड्स हमने ये फेविकोल ले लिया और एक छोटी सी स्ट्रिप पतली सी उस A4 साइज़ में से निकाल ली है और इसे देखिए हम किस तरीके से अटैच कर रहे हैं। ये देखिए फेविकोल से हम क्या करेंगे, इसे यहाँ लगा रहे हैं। ये फ्लावर बनाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी स्ट्रिप। ये देखिए हमने इसमें छोटी सी स्ट्रिप अटैच कर दी है, इसे थोड़ा सा प्रेस कीजिए और इसे अटैच होने दीजिए। फ्रेंड्स मैंने ये क्विलिंग पेपर, ये जो क्विलिंग बनाने के हम यूज़ करते हैं नीडल, वो नीडल ले ली है और देखिए मैं इसमें अटैच कर रही हूँ ये। और देखिए इसे राउंड राउंड घुमाते जाइए। उस स्ट्रिप को रोल करने के साथ साथ हमने बीच में इसीलिए चिपकाई है कि हम इसे भी रोल कर, देखिए हम इसे भी रोल करते जाएंगे। फ्रेंड्स ये जो लास्ट का आप देख रहे हैं इसे हम फेविकॉल की हेल्प से चिपका लेंगे। हमारा फ्लावर पूरा बनकर तैयार हो गया है। फ्रेंड्स अब हम इसे फ्लावर को थोड़ा सा खिला देंगे, थोड़ा सा प्रेस करते जाएंगे और इसे दूर दूर कर देंगे।